चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। सूरज जानू एक कप चाय तो बना दो। हाँ? क्या क्या हुआ जानू, क्या हुआ? नबील, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। जानू तुमने कहीं ख्वाब में ये तो नहीं देखा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया? वो ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाएगा। फिर क्या देख लिया जानू तुमने? नबील, मैंने देखा है कि इस घर पे कोई मुसीबत आने वाली है। क्या? हाँ जानू, फौरन अपने पापा को फोन करो, उन्हें बोलो हमारे लिए दूसरे घर का बंदोबस्त करे भाई। व्हाट? हाँ जानू, सुबह के ख्वाब सच्चे होते हैं। नबील तुम एक काम करो। बोलो जानू। सबका दे दो। ठीक है जानू, मैं अभी बाजार से ना जाके मुर्गी लेके आता हूँ। मुर्गी क्यों? जानू आज मेरा चिकन कढ़ाई खाने को बहुत दिल कर रहा है। नबील मैं बकरे के सदका देने का बोल रही हूँ। कौन सा बकरा जानू, हमारे पास तो कोई बकरा ही नहीं है। अरे मेरा मतलब है सदके में बकरा दे दो यार। किसको? ओह गॉड, सदके का बकरा ज़िबह करवाओ नबील और मस्कीनों को खाना खिलाओ। ठीक है जानू, 3,000 दे दो। मैंने कल ही जींस देखी है 3,000 की। और खबरदार जो ये पैसे खर्च किए, ये सदके के पैसे हैं नबील। जानू अब मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि सदके के पैसे खा जाऊं। हाँ सदके के पैसों से कुछ चीज खा जाऊं तो अलग बात है। शट अप नबील। ओके जानू, डोंट वरी जानू, मैं हूं ना, मैं अभी आता हूँ जानू। हेलो, मैं रुकैया बोल रही हूँ। जी बोले। मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। कहाँ? बस अड्डे से, मुझे लेने आ जाओ ना अभी अभी। हाँ हाँ जल्दी से मुझे अपने घर ले चलो ना। अरे भी तो आप मुझे पहले बता दी ना, मैं घर वालों को कहीं भेज देता। अब तो सब घर में है, मैं आपको घर में नहीं ला सकता। क्या बोल रहे हो तुम? सुने वैसे आप दिखने में कैसी हैं? दूल्हा भाई, मैं रुकैया बोल रही हूँ, मुमताज के कजन है। मोमो, मोमो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे बुलाया? मोमो तुम्हारा फोन आया है। हाय, लेकिन मैंने तो कोई फोन किया ही नहीं। अरे तुम्हारे लिए फोन आया है, तुम्हारी कजन रुकैया का है। हाँ। रुकैया? अच्छा, हेलो रुकैया मेरी बहन, कौन है तू? है हाँ हाय, तुझे तो याद कराने में पूरा दिन लग जाएगा। तू अपने शोर को दे ना फोन जरा। ना मैं उनको फोन क्यों दूं, उनके पास तो पहले से ही है। हाय, अपने शोर से मेरी बात करा। वो आपसे बात करना चाह रही है रफाकत। महमूद। हाँ महमूद आपसे बात करना चाह रहा है रफाकत। ओहो, देखिए इस वक्त घर में कोई नहीं है, आप खुद ही आ जाएं। हाँ हाय, मैं कैसे आ जाऊं, मुझे एड्रेस ही नहीं पता तुम्हारे घर का। अरे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आप किसी से भी पूछेगा कि बुलबुले वाले कहाँ रहते हैं, वो बता देंगे आपको। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बहन पहली मरतबा घर आ रही है तो आप उसको एयरपोर्ट नहीं लेने जा रहे हैं? अरे वो बस से आई है। हाँ तो स्टेशन लेने जाएं उसको। अरे मैं नहीं जा रहा भाई, तुम अपने बेटे से जाके कह दो। मेरा बेटा तो स्कूल गया हुआ है। मैं नबील की बात कर रहा हूँ। कौन नबील? ओह आए आप मेरे साथ, उठे चले। शाबाश। चल पुत्र दील। नबील माँ जी। हाँ पुत्र दील, फौरन नबील हो जा। हाँ तुम्हारी खाला आई हुई है, उन्हें लेने के लिए फौरन बस स्टैंड पे जाना है। क्या? हाँ। नहीं माँ जी मैं बाहर नहीं जा रहा, बाहर बहुत गर्मी है। चुपे, हर वक्त अपनी बीवी की गोद में बैठा रहता है, जा जाके मेरी बहन को लेकर आ। हाँ नबील जाओ ना जल्दी से, वो बेचारी कब से धूप में खड़ी होंगी, इंतजार कर रही है। यार मैं मुझे आपकी साली आ रही है ना, आप लेकर आए। नहीं भाई मैं जब तक शक्ल ना देख लूं मैं उसे साली नहीं बनाऊंगा। आप दोनों ना मेरी बहन को लेने अड्डे पर जाएं। मैं अड्डे पे नहीं जाऊंगा भाई, अगर वहाँ छापा पड़ गया तो। तू बता बशीर जाएगा कि नहीं? नबील माँ जी। हाँ नबील तेरे साथ जाएगा, चल नबील तैयार हो जा। आजा आजा आजा। यार क्या मुसीबत है। इसका मतलब है मेरा ख्वाब सच्चा ही हो गया, यही वो मुसीबत है जो घर में आने वाली थी। मुझे भी यही लगता है जानू। खबरदार जो तुम अपनी खाला को लेने बस स्टेशन गए। जानू। नबील जब तुम उन्हें लेने ही नहीं जाओगे तो वो यहाँ आएंगी कैसे? जानू माँ जी मुझे कच्चा खा जाएंगी। तुम एक काम करो, तुम महमूद साहब को लेके कहीं भी चले जाओ, शाम को वापस आना, कहना मिली नहीं। कैसा? ठीक है जानू, 1,000 रुपए और निकालो। किस चीज के? भाई महमूद साहब को चिप्स खिलाऊंगा, गोला गंडा खिलाऊंगा, चूल्हों पे बिठाऊंगा। यार नबील भूख लग रही है। नहीं महमूद साहब
अरे मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे भूख लगी है। मैं मुसा खुदा को माने यार, आप चिप्स खा तो रहे हैं। अरे तो इसमें कौन से चावल भरे हैं जो इनसे पेट भर जाएगा? मुझे नहीं पता, मुझे खाना खाना है बस। यार मैं मुसा थोड़ा सबर करें यार, कैसी बातें कर रहे हैं? घर पे जो खाला के लिए खाना बना रहे हैं ना, वो किसने खाना है? वो अम्मी ने तो खाना है। नहीं मुझे अभी खाना खाना है, वरना मैं घर जाके तुम्हारी माँ को बता दूंगा कि तुम उसकी बहन को लेने ही नहीं गए। अच्छा यार नाराज क्यों होते हैं? चले ओले चलते हैं, वहाँ राणा रिजवान के दोस्तों को स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। जो राणा के दोस्तों को मिलता है वो स्पेशल डिस्काउंट है? हाँ जी। आओ फिर चलते हैं। चिप्स छोड़ दें। कहाँ बैठूं? बैठने बैठने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बहन आने वाली है, तैयारी कर शाबाश। उनके जाने की? नहीं उसके खाने की। माँ जी मैं इतनी गर्मी में किचन में पाँव भी नहीं रखूंगी, उनके लिए बाहर से कुछ मंगवा लें। मेरी बहन ना पहली बार घर आ रही है और तू उसे बाहर से खाना मंगवा के खिलाएगी है? मैं नहीं, आप मंगवाएंगी। मैं अपनी बहन को बाजार का खाना नहीं खिलाऊंगी फजीला। आपकी तो वैसे कोई बहन थी ही नहीं, फिर ये कहाँ से आ गई? आई नहीं है, आने वाली है। वो ही? तुझे नहीं पता फरकंदा, मेरी बहन मेरे भाई की चचाजाद भतीजी की नानी की बेटी के बेटे की बेटी है। क्या? हाँ हम बचपन में एक साथ खेलते थे, एक साथ स्कूल जाते थे और वहाँ जाके बच्चों को पढ़ता हुआ देख कर ना वापस आ जाते थे। हैं? चल शाबाश उठ, जल्दी से बिरयानी चढ़ा दे। पहले उन्हें आने दे फिर खाना बना दे। क्या खाना है? अरे महमूद साहब अभी तो खाया और कह रहे हैं क्या खाना है। अरे मैं खाने की तारीफ कर रहा हूँ यार। हाँ यार महमूद साहब ये तो है, इतना अच्छा खाना और सस्ता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 3,000 रुपए? अरे हमने क्या नोट खाए हैं? ओ भाई हम राणा रिजवान के दोस्त हैं। सर इसीलिए आपका 3,000 बिल आया, वरना आपका 2,000 बिल होता सर। है? निकाले महमूद साहब। अच्छा जी ये लो भाई। अरे टेंशन ना लो यार, तुम्हारे सुसर के पास बहुत पैसा है। मेरा ख्याल है नबीला हमें चलना चाहिए, तुम्हारी वो करीब की खाला ना अब तक बस में बैठ के बहुत दूर जा चुकी होगी। चले मुझे बड़ी महंगी पड़ी है खाला, आपने मुझे यहाँ खाना खिलाना है। जी मैं लड़की हूँ, आप कौन है? मैं ना मुमताज की कजन हूँ। कौन मुमताज? मेरी कजन है। आपकी कजन ही रहती है यहाँ पे? तो फिर कहाँ रहती है? मुझे क्या पता। तुम कौन हो? मैं किसी और की कजन हूँ। ये लड़की मैं पता करा के आई हूँ, ये बुलबुल वाला घर है ना, चल हट परा हट। कौन है पुत्र बतूल? बतूल नहीं रुकैया, मुमताज। मुमताज? हाँ मुमताज मैं रुकैया आई हूँ ना। काम करने वाली होगी ना? काम तो ये बिल्कुल ही नहीं करती। अरे मुमताज मैं पूछ रही हूँ ये है कौन? हाँ भाई तू है कौन है? माँ जी हाँ हाँ ये मेरी ना बेटी है। क्या? मैं इनके बेटे की? हाँ ये मेरे ना बेटे की बेटी है। मैं इनके बेटे नबील की बीवी हूँ। क्या क्या हाए, हाए। क्या हुआ ज़किया? हाय अल्लाह मुमताज इस लड़की ने क्या कहा है? अरे तूने मेरी बहन को क्या कहा है? मैंने इन्हें कुछ नहीं कहा माँ जी। बकवास मत कर, बदतमीज दफा जा इधर से, चल। ये तुमने क्या कर दिया मुमताज? हाय किधर किधर है? हाय तुमने मुझसे वादा किया था ना। कौन सा वादा? भूल गई है ना तू? भूल गई है? जब तेरा पुत्र पैदा हुआ था तो तूने उसकी मंगनी मेरी बेटी फाखरा के साथ कर दी थी ना। हाय मैं अपनी बच्ची को क्या मुंह दिखाऊंगी? हाय लाजी है। वो कब से इंतजार कर रही है कि मुमताज खाला उसको ब्याह के अपने कार ले जाएगी। आए आए मेरी बच्ची। हाय कितने बड़े बड़े रिश्ते आए मगर उसने ठुकरा दिए। हाय मेरी फाकरा को यकीन था कि मेरी खाला जान दे देगी मगर जुबान से नहीं फिरेगी। ना तू रो मत हौजरा, रो नहीं। रुकैया ओ गोली मार रुकैया को, तू आ मेरे साथ मेरे कमरे में बैठ। Thank you.
बड़ी खामोशी है। लगता खाला जी नहीं आ रही, इसका मतलब है कि वो वापस चली गई है। नबील, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम खाला को लेने नहीं जाओगे। जानू, मैं नहीं लेने गया था, तभी तो वो वापस चली गई हैं। क्यों महमूद साहब? हाँ भाई, वो माँ जी के साथ उनके कमरे में बैठी हैं। क्या? हाँ। लेकिन जानू, मुझे तुम्हारी कसम, मैं नहीं लेकर आया उन्हें। हाँ भाई, हम तो राणा के रेस्टोरेंट में खाना खा के आ रहे हैं, और नबील ने 3,000 रुपए का खाना खिलाया है। महमूद साहब, नबील तुमने सदके के पैसे का खाना खा लिया? महमूद साहब, बहुत ही घटिया आदमी हो तुम वैसे। जानू जानू, मैं कल दे दूंगा सरकार। जानू, फाखरा ने तो शादी का जोड़ा भी सिलने के लिए दे दिया। हाय हाय, हाँ तो मैं मेहंदी भी लगवा ली है। हाय हाय, मैंने उसको कहा था, हाय मैंने उसको कहा था कि मैं मुमताज से बात करके तुम्हें शाम की गाड़ी से बुलवा लूंगी। वो सुबह से वहीं बैठी हुई है बस स्टैंड पे। बस कर दे सुलेखा, बस कर दे। रुकैया। हाँ रुकैया, मैं अपना वादा निभाऊंगी और अपने पुत्र खलील की शादी साजदा से जरूर करवाऊंगी। हाँ, फाखरा से। हाँ, फाखरा से भी करा दूंगी बेशक। पक्का? पक्का। तो फिर मैं फाखरा को बुलवा लूं? बुलवा ले। हे शाबाशे। हाय जमील, क्या हुआ माँ जी? हुआ नहीं, होने वाला है। तू जल्दी से मेरे साथ चल। आप नबील को कहाँ लेके जा रही हैं? तू बीच में मत बोल, अच्छा, और चुपचाप दूसरी शादी की तैयारी कर। माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ और आप मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हैं? मैं तेरी नहीं, अपने पुत्र की दूसरी शादी कराना चाह रही हूँ। हैं? क्या? क्या? हाँ पुत्र, मैंने अपनी बहन को वो दी है। वो क्या माँ जी? वो जो दांतों के बीच में होती है ना। बोटी? नहीं बोटी नहीं, हड्डी। नहीं हड्डी भी नहीं, वो जिसे बोलते हैं मुँह। मुँह? मुँह ना जी, जो मुँह में होती है। मुँह में क्या होती है माँ जी? माँ जी, आप आसान जबान में नहीं बता सकती आपने क्या दी है। हाँ जबान, जबान, मैंने अपनी बहन को जबान दी है। माँ जी, मैं आपकी बहन से शादी कैसे कर सकता हूँ? भाई उसकी बेटी से तो करेगा ना। कैसी है उसकी बेटी माँ जी? जैसी गांव की लड़कियाँ होती हैं पुत्र, गोरी चिट्टी मटियार, जाहिल अनपढ़ और गवार भी ना। तो तूने इस पढ़ी लिखी से शादी करके कौन सा तीर मार लिया है? चलो शाबाश मेरे साथ। नबील, तुम कहीं नहीं जाओगे। शट अप जानू, आइए माँ जी। हुआ? आप यहाँ बैठे सेब खा रहे हैं? ये तुम्हारे सेब हैं? नहीं। फिर तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि माँ जी दूसरी शादी कर रही हैं। क्या? अरे मेरे होते हुए वो दूसरी शादी कैसे कर सकती है? ओ, माँ जी नहीं कर रही, वो नबील की दूसरी शादी करा रही हैं। अच्छा, ये लो सेब खाओ। महमूद साहब, वो मेरे शोहर की दूसरी शादी करा रही है और आप मुझे सेब खाने को कह रहे हैं? मैं तो भूल गया था कि नबील तुम्हारा शोहर है। दरअसल तुमने कभी फील ही नहीं करवाया ना। महमूद साहब, अरे रो मत खूबसूरत, कुछ नहीं होगा भाई। अरे होगा क्या नहीं, अंदर वो बैठ के डेट डिसाइड कर रहे हैं। क्या? हाँ ना, माँ जी अपनी बहन रुकैया की बेटी से नबील की शादी करवा रही है। अरे ये कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए नबील की दूसरी शादी कैसे हो सकती है? मैं अपनी बेटी के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगा। आओ मेरे साथ। हाँ भाई रसिया, बताओ क्या क्या देगी जेज में मेरे पुत्र को? रुकैया। पुत्र रुकैया देगी? और ये मेरा नाम रुकैया है ना भाई। हमने तुझे लेके क्या करना है इस घर में? पहले गन थोड़ा है क्या भाई? देना क्या है, जो मेरी फाखरा का वो ही नबील का है। मसलन 100 मुरब्बे जमीन है, 1 कोठी 4 गाड़ियाँ, 200 भैंसे, 3 हल, 8 बैल भी। अम्मी जी, मुझे अपनी फरजंदी में कबूल करें। कबूल है, कबूल है। महमूद साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? अरे वो पहले ही इतना कुछ दे रहे हैं, मैं और क्या बोलूं? महमूद साहब, मेरा तो ख्याल है कि डील अच्छी बन रही है, जाने दो। अरे तुम्हें तो पहले ये घटिया आदमी पसंद नहीं है, ठीक है किसी और की जिंदगी बर्बाद होने दो। ये आप क्या कह रहे हैं महमूद साहब? मेरी बात मानो खूबसूरत, तुम्हारी और तुम्हारे पापा की जान छूट जाएगी। नबील अब अपने दूसरे ससुर के पैसों पे पलेगा और हमें भी पालेगा, सबका फायदा हो जाएगा। क्या? हाँ, मैं तो कहता हूँ अब तुम जाओ और शादी की तैयारियां शुरू करो। ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे, रह जाएंगे, रह जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे। नबील, मैं रो रही हूँ और तुम गाने गा रहे हो। जानू,
तुम गाना भी गाओगी ना तो लोग समझेंगे तुम रो रही हो। नबील बंद करो खूबसूरत ये रोना धोना, मुझे शादी वाले घर में ये रोना धोना नहीं चाहिए। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते नबील, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। हाँ इम्तियाज भाई, एक अच्छा सा सूट सिलवाना है। याद है नबील जब तुमने मुझे प्रपोज किया था? दो दिन में चाहिए भाई, मेरी शादी। मैंने पापा की मर्जी के खिलाफ शादी की थी तुमसे नबील। हाँ नीले रंग का, देखो मुझे वक्त पे मिलना चाहिए, ये ना हो शादी के बाद दो तुम मुझे। ओके बाय। याद है नबील जब चांदी पैदा हुई थी? हेलो हाँ सुने, मुझे एक लिमोजिन चाहिए, स्ट्रेच लिमो। यस ड्राइवर के साथ, और पैसों का कोई मसला नहीं क्योंकि मेरा ससुराल बहुत अमीर है। अब मैं बाबा को क्या बोलूंगी नबील? वही बाबा ही बोलना। नबील प्लीज। जानू तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा शौहर काम पे लग रहा है, ये सब कुछ मैं चांदी के लिए कर रहा हूँ। क्या? हाँ जानू मेरी नई बीवी जो है ना वो 100 किलो चांदी लेके आ रही है। मैं जरा नाच गाने का एहतमाम कर लूं, मैंने डांस के लिए शकीरा को बुलाया, ठीक है? तुम जरा जिनी तौर पे तैयार हो। खूबसूरत बेटा, इस घर में बस एक ही इंसान है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, महमूद साहब। कुछ कहा? हाँ मैं इसको पलकों पे बिठा के रखूंगी, शादी के बाद ना ये राज करेगा राज। नबील इसका मतलब है कि अब तुम्हें अपनी जमीनों पर खुद काम करना पड़ेगा। क्यों? नहीं भाई ये क्यों काम करेगा, नौकर चाकर जो घर में है, मेरा बेटा तो घर में बैठ के ऐश करेगा ऐश। अम्मी जी मेरा बच्चा। मैं जा रही हूँ। देख लो खूबसूरत, अगर तुम चाहो तो मेरी हवेली के किसी एक कमरे में बाकी जिंदगी गुजार सकती हो, टाइम पे खाना मिलेगा तुम्हें। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारी इस हवेली पर, मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। ठीक है जानू जाओ उस मोटे सांड के पास। बेटा जाने दे, इसकी फिक्र मत करो, इससे करोड़ दर्जे अच्छी बेटी है मेरी, शहजादी है शहजादी। हाँ हाँ आने वाली होगी, खुद ही देख लेना। लगता है मेरी शहजादी आ गई, मैं खुद दरवाजा खोलूंगा। क्या मेरा बच्चा जी ले अपनी जिंदगी। इस खुशी के मौके पर मैं आप लोगों को ना डांस दिखाऊंगी। अब है ठीक है, चलिए जी शुरू करें, शुरू करें। क्या माहौल बनाया है, दुल्हन तो आई नहीं नाचने वाली आ गई। नाचने वाली थोड़ी है मेरी बेटी फाखरा है। हाँ ये तेरी होने वाली बीवी है। ये तुम्हारी होने वाली दुल्हन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अरे मुबारक हो नबील, महमूद साहब लाना तो खूबसूरत। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ, ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर, ARY ZAP। अभी डाउनलोड करें फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, अभी ARY ZAP डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें ARYZAP.com।